गुड मॉर्निंग मुनाफा सूत्रा न्यूज में आप लोगों का आज फिर स्वागत है। आज है 25 सितंबर 2020। रोज की तरह मैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग हेडलाइंस मॉर्निंग न्यूज मुनाफासूत्रा.com पे लेके आया हूँ। तो आज की हेडलाइंस देख लेते हैं। ये जो चार दिन से बिकवाली देख रहे हैं, मार्केट में गिरावट देख रहे हैं, इसका रीजन है ग्लोबल सलॉफ। सभी जगह सलॉफ हो रहा है। ये कोरोना के केसेस जो है वह फिर से बढ़ने लगे हैं, लॉकडाउन का खतरा एक बार फिर से लगने लगा है मार्केट को, इसलिए ये पूरा सलॉफ हो रहा है। पिछले चार दिन में इंडिया से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 8,000 करोड़ लगभग $1 बिलियन से भी ऊपर का इन्वेस्टमेंट ये लोग निकाल चुके हैं, बिकवाली करके जा चुके हैं। ONGC के गुजरात गैस प्लांट में आग लगी है, मैसिव आग लगी है। आउटपुट सफर करेगा, इस शेयर की पिटाई होनी है आज की डेट में तो लगभग तय। इसलिए गोल्ड के प्राइसेस चौथे दिन भी लगातार गिरे हैं। जनरली होता क्या है कि जब स्टॉक में बिकवाली होती है तो गोल्ड में तेजी आ जाती है, गोल्ड में बिकवाली होती है तो स्टॉक्स में तेजी आती है। अभी दोनों ही तरफ मंदी चल रही है, गोल्ड में से भी पैसे निकल रहे हैं और स्टॉक में से भी पैसे निकल ही रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल का शेयर दो दिन में 20% से भी ऊपर मूव दे चुका है। इनके रिजल्ट बड़े अच्छे आए थे, यही रीजन है इसके पीछे। दो चार दिन पहले की न्यूज में इस पे ब्रोकर रिकमेंडेशन भी दिया था किसी ने। रुपया इंडियन रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 74 पहुंच चुका है, तो गिरावट आई है रुपए में, तो अच्छी बात नहीं होती है रुपये का डिप्रिशिएट होना। टेक्निकल व्यू निफ्टी पे ये है कि निफ्टी अपनी 200 डे मूविंग एवरेज 10,600 के आसपास है, उसको टेस्ट कर सकता है। हो सकता है कि वहां पे सपोर्ट मिल जाए, लेकिन अगर उसको तोड़ दिया निफ्टी ने, 10,600 पे गिरावट नहीं रुकी, वहां से रिकवरी आनी शुरू नहीं हुई, तो निफ्टी के अगले लेवल्स बनते हैं 10,250 के आसपास के भी लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, अगर 10,600 पे सपोर्ट नहीं लिया निफ्टी में तो। हालांकि मेरे ख्याल में निफ्टी काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, तो एक या दो दिन में इसमें कुछ ना कुछ रिकवरी आपको देखने को मिलेगी जरूर से। अब ये रिकवरी आ जाएगी या मंडे आएगी, ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये देखेंगे हम लोग, इंट्राडे के उस ट्रेंड के ऊपर डिपेंड करेगा। जो आप लोग bullkhan.com में लॉगिन करेंगे तो वहां इंट्राडे का ट्रेंड दिखाई देता है, लाइव दिखाई देता है, और मुनाफा सूत्रा का जो ऐप है, एंड्रॉयड ऐप है, उसमें भी ये ट्रेंड आपको लाइव दिखाई देता है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। मैं तो उस पर ऐप पे ही देख के ट्रेडिंग करता हूँ, मैं खुद भी ट्रेंड उस पर जरूर चेक कर लेता हूँ मुनाफा सूत्रा ऐप पे। तो अगर इंट्राडे का ट्रेंड डाउन रहेगा तो हम भी डाउन के साथ ही जाएंगे, कॉन्ट्रा कॉल नहीं लेंगे निफ्टी में से। आज ब्रोकर रिकमेंडेशन तो कोई नहीं है, ट्रेंड सभी तरफ से नीचे का ही है। कल आप लोग के लिए ब्रोकर रिकमेंडेशन भी लेके आएंगे। आप लोग के अगर कोई सवाल है किसी शेयर को लेकर, खरीदना है नहीं खरीदना है, टारगेट क्या लगाएं, स्टॉप लॉस क्या लगाएं, कितना टाइम होल्ड करें, ऐसा कोई भी सवाल है तो मुनाफासूत्रा.com पे जाइए, चैट का बटन दबाइए और अपना क्वेश्चन वहां छोड़ दीजिए। कल किसी ने बाटा इंडिया पे क्वेश्चन पूछा था, उनको जवाब दिया है। इसी न्यूज की बुलेटिन के बाद वो वाला सेक्शन चलेगा जिसमें शेयर्स के जवाब देता हूँ मैं आप लोगों के। ये जो अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो तो यहाँ तो वो वाला सेक्शन नहीं चलेगा। मुनाफासूत्रा.com के होम पेज पे जाइए, वहां पे न्यूज के बाद मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देता हूँ।
थैंक यू।